गेहूं संकट जैसे हालात अब चावल के भी देखने को मिल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, वैश्विक खाद्य संकट बना हुआ है। वही बेमौसम बारिश ने धान की फसल को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके चलते चावल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले चावलों के रिटेल के दामों में 8.39% की वृद्धि हुई है, जबकि होलसेल के दामों में यह वृद्धि 8.85% तक पहुँच चुकी है। अभी सरकार के लिए चुनौती त्योहारी सीजन में चावल के दामों में कमी लाना है। उधर अमेरिकी एजेंसी USDA ने जून 2022 में जारी अपनी रिपोर्ट में भारत में 2021-22 में 1,095 लाख टन चावल की खपत का अनुमान लगाया था। अगर इसी आंकड़े के आधार पर चालू वित्त वर्ष में चावल की खपत और उत्पादन से तुलना की जाए तो इस साल भारत में लगभग 45 लाख टन चावल की कमी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि सरकार ने सबसे पहले चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया। चावल निर्यात के मामले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल है और 2021-22 में भारत ने 212.3 लाख टन चावल का निर्यात किया था। उधर कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चावल की बढ़ती मांग को देखते हुए निजी व्यापारियों ने किसानों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। व्यापारी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर धान की खरीदी का ऑफर भी दे रहे हैं, जिसके चलते धान का उत्पादन कम होने से सरकारी खरीद और कम रहने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। इस साल सामान्य धान की MSP 2040 रुपए प्रति क्विंटल है तो ग्रेड ए धान की MSP 2060 रुपए प्रति क्विंटल है। गौरतलब है कि इस तरीके से चावल की कीमतों में आगे चलकर प्राइजेस बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस तरीके से खाद्यान्न संकट वैश्विक स्तर पर गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके चलते उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर गेहूं और चावल दोनों की स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।